वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। स्वयं प्रदेश और देश की समस्या और हल मुबाय खड़ी होकर समस्याओं से अवगत भी करा रही है और हल भी बता रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश शिवर। राजेश जी बताइए। जी अनामिका जी, समूचे देश में हंसी की पात्र बनी विपक्ष में बैठी कांग्रेस की समस्या, पप्पू के नाम से जाहिर राहुल गांधी भी खड़े हैं माइक के सामने, और प्रदेश की विकराल रूप से समस्या और हल, समस्या भी दिग्विजय सिंह जी भी हैं और हल भी बता रहे हैं। ये कितना आश्चर्य और शोध कवि से है कि जहां एक और दुर्गति सिर्फ राहुल गांधी और परिवारवाद के कारण समूचा देश कांग्रेस को हंसी का पात्र बनाए हुआ है, और पप्पू तो खैर एक छोटा सा लड़का बोल रहा है कि राहुल गांधी पप्पू भैया हैं, वहीं मैं आए दिन अपडेट देता हूं दिग्विजय सिंह जी के कारनामों पर कि दिग्विजय सिंह जी के कारण जो भी अल्प समय के लिए आई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस, तो ये इनने तो अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना पाए अपने कार्यकाल में, ये अतीत का वैसा था, इसको कुरेदना गलत बात है। अब ये सिवनी मुद्दे पे कह रहे हैं कि मुसलमानों का शोषण अगर किसी ने किया है तो आज ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये न भारतीय जनता पार्टी के कोई शब्द हैं और न ये कोई कांग्रेसी के शब्द हैं, ये राजेश शिवर का अनुभव और उन्हें दर्पण दिखाते हुए ये राजधानी चैनल का छोटा सा पत्रकार उन्हें कह रहा है कि आज जो भी प्रतिशोध की भावना से मुसलमानों को देखा जा रहा है उसी मूल जड़ तो कांग्रेस है। दिग्विजय सिंह काफी वरिष्ठ और काफी पूर्व से ही लोकप्रियता हासिल कर चुके बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और फिर ये अपनी खुद की समस्या का हल भी बता रहे हैं। देखिए खड़े होके ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का अगर शोषण हुआ है तो सबसे ज्यादा वर्तमान की सरकार भाजपा कर रही है। मेरे पास लिंक रखी है, मैं कोई खड़ा होकर कहे कि इन्हें कैसे बोल दिए तो मैं कहूंगा ये लिंक रखी लो। तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आपके मुसलमानों को प्रतिशोध की भावना से और मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार, ये भाजपा सरकार की पूर्व से ही रणनीति है। तो मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, हालांकि मैं उनको ये ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ कि आपने ऐसा किया, आपकी पार्टी के पूर्वजों ने, अब वो पूर्वज किस जाति से बिलोंग करते हैं ये पूरा देश और इतिहास जानता है कि ये गांधी कैसे हो गए ये भी लोग जानते हैं, और आज ये गांधी किस क्यों लिख रहे हैं, अधिकार आकर दिया किन्ने कि ये गांधी लिख सके, महात्मा गांधी की तुलना आखिर ये कर क्यों रहे हैं, ये शोध और आश्चर्य का विषय है। भले कोई मीडिया ने न दिखाया हो लेकिन कटु सत्य में अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस की पार्टी को कि आखिरकार सम्मानीय देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सम्मानीय इंदिरा गांधी जी आखिरकार गांधी क्यों लिख रही थी, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है।
अगर अतीत के पन्नों में जाओ और खुलासा रिपोर्ट देखो तो महात्मा गांधी के गांधी जी जिन्हें महापुरुष कहा जाता है और आज विपक्ष में बैठे कांग्रेसी सहित वर्तमान की देश में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में बैठे भाजपा के शिवराज के सिंह जी की सरकार स्वयं राजघाट में जाके श्रद्धांजलि देते हैं महात्मा गांधी की समाधि में, तो नरेंद्र मोदी जी से भी एक छोटा सा पत्रकार पूछना चाहता है कि आप किसी दिन अपने मन से इनसे पूछो कि आप किस अधिकार के साथ गांधी लिखते हैं, या सम्मानी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो या राजीव गांधी जी हो या संजय गांधी जी हो, ये किस अधिकार के साथ गांधी लिखते हैं ये पहले स्पष्टीकरण दें। जब एक सम्मानीय इंदिरा गांधी जी के पति कौन थे ये पूरा देश का इतिहास जानता है, इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन जब ये गांधी लिखते हैं और फिर गांधी लिखने के बाद उस महापुरुष जैसे व्यक्ति की समाधि में जब हमारे देश का मुखिया 2 अक्टूबर हो या फिर महात्मा गांधी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, बाकायदा वो अपनी औपचारिकता से देश का मुखिया या प्रदेश का मुखिया कभी नहीं चूकता, ये भाजपा की मानवता है और बड़कपन भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी या छोटापन। लेकिन ये जो गांधी लिखते हैं, अगर ये गांधी लिखते हैं तो महात्मा गांधी की विचारधारा अपनाएं तो ज्यादा अच्छा है। और आज ये हंसी का पात्र सिर्फ परिवारवाद की वजह से हुआ है, इससे भी देश इस बात से अछूता नहीं है। और आज भी अगर ये परिवारवाद हटा दें तो कांग्रेस की मुझे लगता है कुछ नहीं तो जो दुर्गति हुई है 50% सुधर जाएगी। आपके दिग्विजय सिंह जी हो गए और इस टाइप के जो कुछ नेता हैं, इन्हें तवज्जो ही ना दी जाए कांग्रेस द्वारा। और कटु सत्य तो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रदेश की प्रथम महिला सम्मानी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जो प्रतिष्ठा कांग्रेस की थी या राजीव गांधी जी के, वो प्रतिष्ठा फिर से कायम हो सकती है अगर प्रियंका गांधी जी जो आज भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दे देती है, वो अलग सब्जेक्ट है कि यूपी चुनाव हो या जहां के भी चुनाव में वो प्रचारक बन के गई, वहां उन्हें हार का मुंह मैं नहीं मानता कि प्रियंका गांधी ने देखा है, वाड्रा जी ने देखा है, ये कांग्रेस ने देखा है। लेकिन दायित्व प्रियंका जी ने जो निभाया है, भूमिका जो निभाई है कांग्रेस के सदा की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया गया है, उतना अच्छा प्रदर्शन भाजपा नहीं कर पाई है चुनाव प्रचार या प्रदर्शन में, उसके बाद भी भाजपा फतेह हासिल करी है, वो बात का सब्जेक्ट है जी। कि एक मिनट नाबिका जी, तो मैं चाहता हूं अगर कांग्रेस को अभी भी समय है कि दिग्विजय सिंह जैसे हंसी के पात्र बने, समस्या भी खुद बन जाते हैं और हल भी बता देते हैं, और ये राहुल गांधी जी जो बचकानी हरकत आयोजन करते हैं और हंसी का पात्र बने हैं, इन्हें विलय और दिग्विजय सिंह जी के लिए प्रदेश में कुछ बोलना, मतलब कांग्रेस के द्वारा ये जो भी संदेश देते हैं तो प्रदेशवासी इन पर हंसते हैं
और राहुल गांधी पे तो देश हंसी रहा है, और अब आई मुसलमानों की बात, तो आज मुसलमान और हिंदुओं के बीच जहर सब में पहले अगर किसी ने घोरा है तो कांग्रेस ने घोरा है, वो नेहरू जी ने और जिन्ना ने मिल के घोरा है। आज ये बात देश का मुसलमान भी जानता है कि वो जिन्ना, और हिंदू भी जानता है कि ये नेहरू विदेश की एक, अब उनको भी मैं अशोभनीय कैसे कह दूं, विदेश की किसी बिटिया को या जो भी उनका मसला है, तो मैं कि नारी प्रधान देश कहते हैं अपन, महिला प्रधान देश है अपना हिंदुस्तान, तो उस महिला के कारण आपने जो लकीर खींच के चले गए उसकी वजह से आज हम हिंदू और मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे हैं, और आप ही ने समस्या पैदा की है, और हल बता रहे हैं कि भाजपा शासन काल में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मतलब मुसलमानों की ये दुर्गति का समय वाला हाथ किसका है, पहले अपनी गिरेबान झांक के तो देखें। दिग्विजय सिंह जी काफी वरिष्ठ और पूर्व के नेता हैं, और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं मेरी याददाश्त में। इनसे तो वो हमारे सम्मानी अर्जुन सिंह जी ठीक थे, जिन्होंने कांग्रेस को कभी गुमराह नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा को जिस संभव जिस परिस्थिति रही हो उन्होंने कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। देश की प्रथम महिला इंदिरा गांधी जी ने जो किया उस पे अगर पर्दा किसी ने डाला है देश हित में, तो सामान्य अर्जुन सिंह है, और आज उनके पुत्र राहुल सिंह जी भी हैं, और उनके मुंह से कभी भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। आप किसी टीवी चैनल या किसी समाचार पत्र में नहीं पढ़ सकते कि इनने ऐसा कोई ऊटपटांग बयान दिया हो, जबकि मैं ना अर्जुन सिंह जी से कभी मिला हूं, ना बातचीत हुई है, और ना उनके पुत्रों से। बस एक दो बार हमारे स्वर्गीय हरबंश सिंह ठाकुर जी की पत्नी का निधन हुआ था, तो उस समय मैं रिपोर्टिंग करने गया था, तो उस समय किसी कांग्रेसी मित्र ने बताया था कि ये वो भैया हैं, ये वो भैया हैं। इवन असलम खान जी हैं, उनने हमें मिलाया था कि ये ठाकुर साहब रहे हैं और कैसे बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने जो हाथ जोड़ा एक मीडिया कर्मी के सामने, हाथ जोड़ लेना मतलब इससे बड़ी माना था। ये गुण आज भाजपा के वरिष्ठों में नहीं है, कटु सत्य बोल रहा हूँ अनामिका जी, कि भाजपा के नेता जो आज गलत फहमी में हैं कि वो कांग्रेस की दुर्गति क्यों हुई, इसके पूर्व में बता चुका हूँ। लेकिन अगर कांग्रेस में कोई गुणकारी और योग्य व्यक्ति भी हैं, एक छोटे से राजेश सिहरे को जब एक मुसलमान भाई उस बर्रा में मिलाता है कि ये ठाकुर साहब के काफी करीबी रहे हैं और मीडिया से बिलोंग करते हैं, उनका वो हाथ जोड़ना मैं तुरंत समझ गया कि बताओ यार ये है कांग्रेस के नेता, जो एक मीडिया कर्मी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि भोपाल आएंगे तो आप मिलना हमसे। मतलब मैं धन्य हो गया कि वाकई यार कांग्रेस में ऐसे गोलकारी लोग भी रहते हैं। उनके छोटे पत्र की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले तो शायद नहीं आए थे। हाँ, तो जब ऐसे योग्य व्यक्ति कांग्रेस में रहे हैं जी। तो ये एक मिनट और दीजिए अनामिका जी, तो जब ऐसे गुणवान और योग्य हाथ जोड़ के मीडिया कर्मी को सम्मान करने वाले जैसे कांग्रेस में सामान्य स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी रहे हैं, और उन्होंने ऐसे संस्कार अपने पुत्रों को दिए और जिसका निर्वाह वो कर रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें कांग्रेस में अच्छी पहल दी जाए, उनके नेतृत्व हेतु उन्हें मतलब
बुक किया जाए सुमेधा की, आप यार ऐसा करो, प्रियंका जी हो गई या अरुण सिंह जी के पुत्र हो गए, आज आपके माधव सिंह जी के पुत्र जो भाषाओं में चले गए हैं वो भी बहुत गुणकारी है। तो मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस में भी पूर्वजों ने अपने पुत्रों पे ऐसे संस्कार दिए जो भाजपा आज नरेंद्र मोदी जी जो कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है, आज मीडिया का आदमी उनके पक्ष में बात करता है, जैसे राजेश चौहरी, कि देश को एक अमूल्य रत्न तो मिला, लेकिन जो भाजपा नेता आजकल एक दूसरे के प्रति जहर बो रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप कहीं लक्ष्मी योजना कार्यक्रम करा रहे हैं तो आप पीड़ितों के यहाँ जा रहे हैं, और एक जुम्मेवार, जबकि राकेश पाल जी भी जा रहे हैं, तो हमारे दिनेश राय जी ने किया क्या है? दिनेश राय जी ने आखिर किया क्या है जो आपने उन्हें ले जाना उचित नहीं समझा?